बिहार में सीएम नीतीश कुमार लेकिन दम दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी की ताकत मंत्रिमंडल में साफ, लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप क्यों हुए नाराज? लालू के बड़े लाल को नहीं मिला मन माफिक मंत्रालय तो दर्ज करा दी नाराजगी। मंत्री तो बन गए तेज प्रताप, लेकिन फिर भी है खबा। बिहार की नई कैबिनेट में सुलग रहा बगावत का धुआं। देखिए तेज प्रताप और तेजस्वी में खिंची है तलवारें या फिर मामला है कुछ और। जाहिर न होने देना ये बात जहां भर में, मैं तुमसे खपा तो हूं मगर ये आपस की बात है। कुछ इसी तरह के हालात बिहार की नवगठित सरकार और सरकार की कैबिनेट मंत्री में दिख रहे हैं। कुर्सी पर तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार को बिठाया जरूर है, लेकिन सरकार में किसकी पहुंच कितनी है, किसकी ठसक बरकरार है, वो साफ दिखने लगा है। कैबिनेट विस्तार से ही साफ हो गया है कि चाचा और भतीजे ने कमाल किया है, लेकिन कमाल में मालामाल भतीजे ज्यादा दिख रहे हैं। सरकार का गठन हुआ और कैबिनेट विस्तार भी हो गया, लेकिन सरकार में अंदर खाने कई चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जिससे लगता है कि सब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। खुद लालू के ही परिवार में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये सब संभालना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। खासकर भाई तेज प्रताप यादव इस बार अपने अर्जुन से खपा दिख रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव को मंत्री पद दिया गया है और उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन जिस मंत्रालय को तेज प्रताप यादव चाहते थे वो मंत्रालय हकीकत में तेजस्वी यादव ने ही हत्या लिया है। और तेज प्रताप यादव के हाथ आया पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, जिसके बाद तो तेज प्रताप यादव का माता थोड़ा ठनका दिख रहा है। दरअसल जब 2015 में लालू और नीतीश साथ आए थे, तब से तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा मिला था। इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव ने संभाला है। ऐसे में तेज प्रताप यादव को लगता है कि छोटे भाई के सामने उनका कद छोटा कर दिया गया है और मंत्री पद के नाम पर ऐसा विभाग दे दिया गया है जिसकी कोई खास अहमियत ही नहीं है। वहीं ये मौका तेजस्वी यादव के विरोधियों को अच्छा मिल रहा है, जो तेज प्रताप यादव के कान फूंक कर उनके गुस्से को जमकर हवा दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी रूठे तेज प्रताप यादव को मनाने में जुटी है। मामले पर जब तेज प्रताप यादव से बात की गई तो उन्होंने इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया और विरोधियों की तरफ से छवि खराब करने की इसे साजिश बताया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई तेज प्रताप यादव नाराज है या फिर सब अफवाहबाजी है। लेकिन जहां तक सियासी गलियारों की चर्चा देखें तो हर तरफ दावा किया जा रहा है कि पलटू चाचा ज्यादा दिन साथ नहीं रह पाएंगे और जो हालात अभी दिख रहे हैं वो जल्द ही मध्यावधि चुनाव का बिगुल बजा देंगे। देखना यह है कि सियासी जानकारों का कयास सही साबित होता है या फिर तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी जो दावा कर रही है वो सही साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।